फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ख़राब गैस लाइटर की मदद से आपको एक सोल्डिंग आयरन बना के दिखाऊंगा। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक गैस लाइटर लेना है और आपके सिर्फ 10 रुपये लगेंगे इस सोल्डिंग आयरन को बनाने के लिए। बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जो लाइटर है उसको पूरे तरीके से यहाँ पर खाली कर लेना है। इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं इन्हें आपको निकाल देना है बाहर की साइड में। तो मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइव की मदद से इसके अंदर का जो भी मैकेनिज्म है यहाँ पे उसे निकाल लेता हूँ। जो लाइटर का ट्रिगर यहाँ पे सब कुछ आपको निकाल देना है। सिर्फ आपको इसकी जो बॉडी है उसे आपको बिल्कुल खाली यहाँ पे कर लेना है। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल निकाल लेनी है पूरी सावधानी से। यहाँ पर जो पाइप है वो बिल्कुल यहाँ पर टूटना नहीं चाहिए। तो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर निकाल ली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पाइप है वो थोड़ा सा यहाँ पर बेंड हो गया है, तो मैं इसे सीधा कर लेता हूँ और इसके बाद में आगे का प्रोसेस हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पाइप को मैंने पूरा यहाँ पर खाली कर लिया है। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसका हैंडल बनाने के लिए मैं एक पीवीसी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, 1/2 इंची वाले पीवीसी पाइप का। तो इसी से मैं यहाँ पे इसका हैंडल बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ये इजीली फिट हो पा रहा है। तो आपको सिर्फ ये यूज करना है। आप चाहें तो लकड़ी का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको कम से कम 4 इंच का यहाँ पर पीवीसी पाइप ले लेना है। इसके बाद में आपको कौन सी चीज़ लेनी है वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पीछे की साइड से आपको पीवीसी पाइप का एक कैप लगा लेना है, इसे पीछे की साइड से बंद करने के लिए। और इसके बाद में फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक 35 वाट का एलिमेंट। सिर्फ आपको यही आपको मार्केट से लेना है। आपको ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। आपको ये 10 रुपये का मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो 10 रुपये का ये एलिमेंट है और 35 वाट का है। यहाँ पर मैं एक बिट ले रहा हूँ, आप पुराने आयरन से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी लोहे की जो कील होती है उससे भी आप बिट को बना सकते हैं, वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करेगा। कॉपर का यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लोहे का भी वैसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है यहाँ पे प्रोसेस है इसका। आपको इसके बीच में यहाँ पे बिट को लगा देना है और इसके बाद में जो यहाँ पे एलिमेंट है उसके वायर को आपको इस तरीके से, जो पाइप हमने लिया है लाइटर का उसके अंदर से आपको इसे निकाल लेना है। आप दोनों जो वायर हैं उस पर आप फाइबर कैप भी लगा सकते हैं ताकि आपस में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, या आप इसमें टेप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो बिट है उसे आपको, जो एलिमेंट है उसके अंदर आपको फंसा देना है और उसके बाद में इन सभी चीज़ों को आपको अंदर की साइड में सेट कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। इसके बीच में आपको यहाँ पे इस बिट को लगा देना है और एलिमेंट को आपको अंदर की साइड में आपको इसे फंसा देना है। तो इसके बाद में इसे सेट करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वही मैं आपको बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई इसमें जो MC लगाइए वो यहाँ पे इसमें से धुआं निकल रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, उसका ही मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक प्लग वायर यूज़ कर रहा हूँ और इसके कैप के अंदर आपको जो वायर है उसे निकाल लेना है और आपको एक गांठ लगा देनी है ताकि यहाँ पे जॉइंट टूटे ना। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंदर की साइड में एक गांठ लगा देनी है। इसके बाद में इस पूरे वायर को पीवीसी पाइप के अंदर से निकाल के एलिमेंट के दोनों वायर पे आपको एक एक बार यहाँ पर जोड़ देना है और टेप से आपको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। आपको यहाँ पर खुला बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ना है, वरना शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर एलिमेंट ख़राब हो जाएगा, आपको करंट भी लग सकता है। तो आपको इसे अच्छे तरीके से कवर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो फाइबर कैप भी लगा सकते हैं, फाइबर स्लिप होती है वही लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेप का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सारा वायर यहाँ पे पीवीसी पाइप के अंदर आएगा, तो आप टेप भी इसमें यूज कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक टेप होता है वो आपको लगा देना है दोनों वायर पर। एक वायर पर आप ज़्यादा टेप लगा सकते हैं ताकि दूसरे वायर से यहाँ पर वो बिल्कुल भी टच ना हो, और आपको जॉइंट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है। यहाँ पर आपका सिर्फ जो खर्चा है वो 10 रुपये का आया अभी तक, और इसमें आपको कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं लगानी, सारी चीज़ आपको घर पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो पुराने जो बेस्टेज पाइप होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरे वायर को यहाँ पे अंदर की साइड में लगा के जो इसका हमने एलिमेंट बनाया है इसे आपको इसके अंदर यहाँ पे फंसा देना है, जो पीवीसी पाइप हमने यूज किया है। तो अभी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने इसे सेट नहीं किया है। चलिए इसे किस तरीके से बिल्कुल सेट करते हैं वो ही मैं आपको बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने इसमें MCL यूज की थी और इस वीडियो में आपको इसे MCL से सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से MCL से 100% वर्क करता है। तो अभी इसका जो पीछे वाला कैप है उसे मैं सुपर ग्लू से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ MCL। तो MCL को आपको दोनों पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको बिट के फ्रंट वाली साइड में आपको अच्छी तरीके से सेट कर देना है। काफ़ी सारे लोगों ने इसे यूज किया था और यहाँ पर वो कमेंट कर रहे थे कि भाई MCL से यहाँ पर धुआं निकल रहा है और MCL यहाँ पे फूल रही है और वो बिट यहाँ पे ढीला हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पहले से अच्छे तरीके से सुखाना है तभी आपको इसे यूज करना है। आपको डायरेक्ट से लगाने के बाद आपको इसे यूज नहीं करना है, वरना यहाँ पे वो इसमें से फूल के बाहर निकल जाएगी और उसके बाद में ये स्मोक भी काफ़ी ज़्यादा इसमें निकलेगा। तो पहले आपको इसे अच्छे तरीके से धूप में सुखा लेना है, फिर उसके बाद में ये आपको इसे यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर इसकी सभी साइडों पर MCL लगा दी, पीछे की साइड भी मैंने यहाँ पर MCL लगा दिए
और इसके बाद मैं इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ देता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। हालांकि इसमें थोड़ा सा धुआं तब भी निकलेगा, लेकिन तब ये 100% वर्क करेगा। करीब 1 से 2 मिनट के बाद में जो धुआं है वो निकलना बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे से एसी लाइट के साथ लगा देता हूँ। तो आपको इसे सावधानी से यूज करना है, आपको इसे हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे से चेक करके दिखा देता हूँ। वैसे तो इसमें करंट नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सावधानी यहाँ पे बरतनी है। तो अभी इसने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो पेस्ट है वो पिघलना यहाँ पे शुरू हो चुका है। मैं आपको शोल्डर पे भी चेक करके दिखाऊंगा, और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप घर पे से ट्राई कर सकते हैं। देख पा रहा हूँ यहाँ पे सुखाने के बाद इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्मोक निकल रहा है, क्योंकि मैंने इसे थोड़े कम टाइम के लिए इसे सुखाया है। आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए अगर छोड़ देते हैं तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।